तख्त या धड़न तख्ता, आर या पार। पंजाब में सियासी बहरान संगीन, सबकी नजरें पंजाब असेंबली पर। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, अदम एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, आज 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास होगा या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़े है। स्पीकर सिप्तान खान आज इजलास बुलाने से दो टोक इनकार कर चुके हैं। गवर्नर के बुलाए गए इजलास को गैर कानूनी करार देकर इजलास जुमे तक मुलतवी भी कर दिया गया। राणा सनाउल्ला कहते हैं कि आज एतमाद का वोट ना लिया तो परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। तख्त या धड़न तख्ता, आर या पार। पंजाब में सियासी बहरान संगीन। तख्ते लाहौर की जंग, सियासी जमातों में बच गया तबले जंग। आज पंजाब असेंबली का इजलास होगा या आएगा कोई नया मोड़। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत की तो स्पीकर खुद मैदान में कूद पड़े। गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इलीगल समझता हूँ। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 21 दिसंबर को इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया। ऑपोजिशन का प्लान भी तैयार है। लीग रुकन खलील ताहिर ने इशारा दिया कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो गवर्नर वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर देंगे। वजीर दाखला राणा सनाउल्ला तो पहले ही वार्निंग दे चुके कि एतमाद का वोट ना लेने पर परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। रूलम जारी करने का वो कोई इस्तेहकाक या लीगल अथॉरिटी रखते ही नहीं है। वो कॉन्फिडेंस नहीं लेते या उससे जो है वो पहलू तही करते हैं, रिफ्रेन करते हैं। वो अपने ऑफिस या अपनी अथॉरिटी में वो बरकरार नहीं रहेंगे। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन होता है तो फिर गवर्नर राज के लिए अंडर आर्टिकल 234 जो है वो बड़ी फिर वैलिड ग्राउंड जो है वो तैयार हो जाएगी। आईनी माहिरीन ने स्पीकर पंजाब असेंबली को मशवरा दिया है कि आइन के मुताबिक गवर्नर पंजाब वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं।